तो गाइस आज की वीडियो है टॉप 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, कौन कौन सी टॉप 5 कार्स हैं इलेक्ट्रिक में जो कि आने वाली हैं, इस साल आएंगी या बहुत हुआ तो 2023 के स्टार्टिंग में आ जाएंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें टाटा की भी कार्स हैं, कुछ और नई नई कार्स हैं और बहुत अच्छी कार्स होने वाली हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे थे कार खरीदने का तो मेरे हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच हो सकते हो तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए एक चॉइस रहने वाली है। पॉकेट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है और सही भी है। तो देखते हैं कौन कौन सी आने वाली हैं। अगर आप आज के टाइम पर देखो तो टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स अच्छी चल रही हैं और MG की GS इलेक्ट्रिक अच्छी चल रही है। December 2021 की सेल्स देखो तो टाटा ने अराउंड 2000 प्लस इलेक्ट्रिक कार्स बेचे हैं, मतलब धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रिक कार्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे जो पहली कार है वो टाटा की तरफ से है, टाटा नेक्सॉन EV का नया वर्जन जो कि फेसलिफ्ट आप बोल सकते हो आने वाला है 2022 में। अब इसमें नया क्या होगा, तो देखो अभी क्या है ना, अभी जो करंट में नेक्सॉन EV है उसमें रेंज की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, बहुत सारे लोगों को 200 की रेंज मिल रही है, मतलब देखा जाए तो 180 से लेकर के 250 के बीच में लोगों को रेंज मिल रही है, किसी किसी को 300 तक मिल रही है, तो रेंज की प्रॉब्लम है। तो अभी जो नई नेक्सॉन आएगी इसमें बड़ी बैटरी यूज़ करी जाएगी जिससे इसकी रेंज इंप्रूव हो जाएगी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। अभी आप देखो अराउंड आपको 30.2 किलोवाट आर की बैटरी मिलती है, लेकिन जो नई नेक्सॉन आएगी 2022 में वो उसमें 40 किलोवाट आर की बैटरी मिलने वाली है। तो रेंज 400 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी जो कि अभी के हिसाब से, अभी देखो तो 200 से 300 के बीच में है, तो हाँ रेंज में इंप्रूवमेंट रहने वाली है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी आपको करंट नेक्सॉन में देखने को मिलती है, जैसे कुछ लोगों का कहना था कि धूप में खड़े खड़े डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे करके छोटे छोटे जो बग्स हैं वो सब सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे नई नेक्सॉन में। तो ये एक अच्छी कार हो सकती है। वैसे भी टाटा की गाड़ी है तो सेफ्टी वगैरह सब एक नंबर है, नेक्सॉन की कंफर्ट भी एक नंबर है, तो सभी चीज़ों में वैसे भी नेक्सॉन एक नंबर है। तो अगर रेंज अच्छी मिल जाती है इलेक्ट्रिक में तो रेंज ये भी कंसिडर करी जा सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस आप ये कह सकते हो कि अभी जो नेक्सॉन है मार्केट में उससे अराउंड 1 लाख से लेकर 2 लाख ज़्यादा रहने वाली है, तो अराउंड 14 लाख या 15 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगी। सेकेंड कार भी टाटा की तरफ से है और ये है टाटा की अल्ट्रॉज EV, और इसका पर्सनली मैं वेट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, देखते हैं कब आती है, बट ये उम्मीद है कि जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलने वाली है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख टू 15 लाख रहने वाली है और अल्ट्रॉज एक प्रीमियम हैचबैक है टाटा की तरफ से, पेट्रोल में भी अच्छा चल रही है। इसका अगर EV वर्जन आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअल में सेफ्टी भी आपको अच्छी दे रही है, 5-स्टार रेटेड कार है। इसकी रेंज अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही 300 टू 400 के बीच में। एक्सपेक्टेड है कि वही बैटरी पैक देखने को मिलेगा 40 किलोवाट आवर का जो कि अपकमिंग नेक्सॉन में देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है ये mid-2022 तक लॉन्च होगा या बहुत हुआ तो फेस्टिवल सीजन तक जा सकता है, बट मुझे लगता है कि उससे पहले ही हो जाएगी। तो ये हो गई सेकंड कार। थर्ड कार है गाइस, ये है MG की तरफ से और MG प्लान कर रहा है एक नेक्सॉन के कंपटीशन में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का, मतलब एक कॉम्पैक्ट SUV इलेक्ट्रिक वाली लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। और ये MG ने अपने ऑफिशियल पेज में कंफर्म किया है कुछ ही टाइम पहले, बट उसका कहना ये है कि ये 2022 में नहीं 2023 में आएगी। तो अगर आप 2023 मिड तक वेट कर सकते हो, मार्च अप्रैल स्टार्टिंग में भी आ सकती है, तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि अभी आप देखो जो MG की GS है ना वो मेरे हिसाब से मोस्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार है इन टर्म्स ऑफ ऑल। अगर आप देखो फीचर्स, कंफर्ट, रेंज सभी बहुत अच्छी है MG GS की, थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा है बट सब चीज़ें बहुत अच्छी। तो मेरे हिसाब से अगर MG की क्रॉसओवर या कॉम्पैक्ट SUV में इलेक्ट्रिक कार आती है तो वो एक बेहतर चॉइस हो जाएगी और नेक्सॉन को तगड़ा कंपटीशन भी देगी। एक्सपेक्टेड प्राइस जैसे कि इसकी हम कर रहे हैं कि 15 लाख से आसपास रहेगी, 15-16 लाख रुपए, तो डायरेक्टली ये नेक्सॉन EV को कॉम्पीट करेगी और इसकी रेंज भी 300 टू 400 किलोमीटर रहेगी। वैसे भी MG की रेंज बहुत अच्छी है, MG GS की आप रेंज देखो जो अभी आने वाली है, इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में लॉन्च हो गई तो उसमें 400 प्लस रेंज मिल रही है। तो रेंज वाइज MG बेहतर रहने वाली है, फीचर्स वगैरह भी MG काफ़ी बेहतर है क्योंकि MG की तरफ से भी एक ऑलरेडी कार है इलेक्ट्रिक में, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं जो कि सक्सेसफुल भी है। फोर्थ कार इस लिस्ट की है MG GS का फेसलिफ्ट या नया वर्जन 2022 वाला वर्जन। अभी आपको MG GS देखने को मिलती है जो कि अराउंड आपको देखो तो 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज देता है। तो नई वाली जो MG GS EV होने वाली है उसमें दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा 51 किलोवाट आवर की बैटरी जो कि अराउंड 317 या 320 किलोमीटर के रेंज देगा, और एक इनका हाई रेंज वाला भी पैक आने वाला है जो कि 72 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आएगा।
और ये 430 प्लस रेंज देने वाला है। तो मेरे हिसाब से MG GS का जो 2022 वाला नया वर्जन आने वाला है वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ इसमें कॉस्मेटिकली भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। एक्सटीरियर का लुक आप देख सकते हो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, इंटीरियर भी काफ़ी इम्प्रूव रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप GS अभी खरीदने का प्लान कर रहे थे MG GS, तो थोड़ा सा वेट कर लो, इसका नया वर्जन आने वाला है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुका है। अब प्राइस इसकी अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 लाख के आसपास जाएगी, लेकिन जो इसका 72 किलोवाट आर वाला पैक रहेगा ना, बड़ी बैटरी वाला, हाई रेंज वाला, वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। और अभी आपको करंट MG GS जो कि इंडिया में है उसमें 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है, लेकिन नई वाली वर्जन में आपको 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें भी इंप्रूव रहेंगी, तो जब आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। थोड़ा सा इसके बैटरी के बारे में बताऊं, तो जैसे कि आप सोच रहे होगे कि इसमें 72 किलोवाट आवर की बैटरी है जो कि बहुत बड़ी है, तो इसको चार्ज करने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 72 किलोवाट आवर बैटरी को 0 to 100 चार्ज करने वाले हो एक स्लो चार्जर के साथ, 7 किलोवाट आवर AC चार्जर के साथ, तो आपको 10.5 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन आप इसी बैटरी को 100 किलोवाट आवर DC फास्ट चार्जिंग से चार्ज करोगे तो आपको अराउंड 42 मिनट के आसपास लगने वाला है, तो चार्जिंग टाइम भी ठीक है। बाकी जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशन स्टेबल होते जाएंगे तो हम लोगों को ये चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये है फोर्थ कार। फिफ्थ कार है जो कि EV में आने वाली है, ये है महिंद्रा की XUV300EV। अब आप इसको XUV300EV बोलो या फिर ये XUV400EV नाम से आए, वो अभी कंफर्म नहीं है, बट ये आने वाली है। और इसको हमने ऑटो एक्सपो 2020 में देखा था और मैंने आपको दिखाया भी था, तो ये कार भी आने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 15 लाख to 18 लाख रहने वाला है, और ये भी एक कॉम्पैक्ट SUV रहेगी इलेक्ट्रिक में, तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा फैन बेस बना सकती है, नेक्सॉन को कॉम्पीट करेगी और MG की अपकमिंग सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट EV को कॉम्पीट करने वाली है। रेंज वगैरह, बैटरी पैक वगैरह, स्पेसिफिकेशंस वगैरह अभी सामने नहीं है, बट इतना तो उम्मीद करना ही पड़ेगा कि 400 या 300 की रेंज तो निकाल के देगी ये। फीचर्स में, लुक्स में तो यार महिंद्रा भी अच्छा कर रहा है, तो हम फीचर्स भी इससे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्च भी कन्फर्म नहीं है, बट हाँ ये अभी महिंद्रा की तरफ से आएगी। महिंद्रा की तरफ से अभी दो ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली हैं, पहला तो KUV100, दूसरा ये XUV300 या 400, जो भी आप कहना चाहें, जो भी नाम से आएगी। आप बताओ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेट कर रहे हो, और हाँ आप स्विच होना चाह रहे हो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में कि नहीं, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।